अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अदर गोट फार्म्स एंड फॉरेस्ट्री की जानिब से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। मगरिब का टाइम है और एक बहुत ही हमारे पुराने शौकीन हैं खुरम भाई कराची सिटी गुरु मंदिर से, तो उन्होंने जो है वो शौक किया हुआ है और जो है ना आप देख सकते हैं। यार ये बाबर इस बकरी को बाहर निकालना है, इसके साथ कैसे चली गए अंदर? तो व्यूअर्स यहाँ पे जो है ना क्या बोलते हैं वो हमारे मेहमान आए हुए हैं नजम भाई, इसको निकाल साइड 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 पे करके निकालो उसको। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह से ब्यूटी और माशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा। और ये शौक आपको दिखा रहे हैं, ये माशाल्लाह से गुलाबी नोज़ के अंदर टेडी और ये टापरी नस्ल की बहुत ही छोटी बकरी, ये भी प्रेगनेंट है माशाल्लाह से। और ये बकरी तो आप जानते ही हैं बहुत पहले से। उसके अलावा ये जो है ये वाला, ये माशाल्लाह से आप देखें ये। तो आइए चलते हैं, हमारे मेहमानों का आपको दीदार कराते हैं कि यहाँ पे सफाई भी हो रही है माशाल्लाह से। तो हमारे मेहमान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई हैदर भाई, कैसे हैं नजम भाई आप? अल्लाह करम आपकी मोहब्बत कुर्रम भाई की मोहब्बत में आए। जी जी, माशाल्लाह बड़ा प्यारा गुलाबियों का शौक है, बहुत प्यारे बकरे माशाल्लाह, मज़ा आया देख के। हाँ तो आप काफ़ी दिन बाद ऐसे कपला बकरा देखा है, एक अच्छा पूरा जो उसको बोलना चाहिए कि कपला है, और माशाल्लाह नकोल वगैरह बहुत प्यारा अच्छा सा शौक है कुर्रम भाई का हमारे, तो इनकी मोहब्बत में आए हैं और आप भाई लोग हैं तो मज़ा आया शौक देख। अच्छा तो आप आपसे जो है ना हमारे व्यूअर्स जो है वो ये पूछना चाह रहे थे कि जो है ना ये जो बड़े बड़े हाइट के बड़ी कान के बकरे होते हैं इनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केयर टेकिंग होती है, केयर करनी पड़ती है। तो इसकी वजह से जो है ना आप ये बताएं कि ये जो मकसद है कि छोटी नस्ल की टेडी ब्रीड होती है वो ज़रा सब जान है, ये नाजुक होते हैं थोड़े गुलाबी है ना तो नज़ाकत तो होगी, टेडी जो है ज़रा सब जान है, दुख बीमारी झेल लेते हैं, इनकी केयर थोड़ी ज़्यादा है। अब आपने हमारे पास टेडी देखे, सर्दी हो गर्मी हो इसी कंडीशन में ही रहते हैं, कोई हम उनको ठाकते नहीं। जैसे अभी आप ये दिखाएं नज़ारा करें, इनके कपड़े लगे हुए हैं। हाँ ये लाजमी है सर्दियों के लिए, इनके लिए ना ये नाजुक होता है, मगर बड़ा अच्छी चीज़ रखी है, सिलेक्टेड है काम है, लेकिन बहुत प्यारा शौक रखा हुआ है हमारे गुरम भाई ने। तो अब आप बताइए कि जो है ना अगर किसी कराची के शौकीन को बहुत शौक हो आपको और दीगर शौकीनों को देखकर, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह से इसी शहर के अंदर पिछले 25 साल से ज़्यादा हो गए आपको ये काम करते हुए, और मकसद है कि हम आपसे ये रहनुमाई भी चाहेंगे कि आपके पास कोई चीज़ हो ऐसी। आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो तो आप हमें ज़रूर बताएं कि जो है ना कि मकसद हम अपने दोस्तों के लिए आपसे मांगेंगे भी कि अगर एक दो पेयर आप हमें इनायत कर दें। देंगे, कोई मसला नहीं है, शौक बड़े शौक अच्छा हो आप तो यही चाहते हैं, जितना शौक दिन ज़्यादा होगा ना शौक में मज़ा आएगा। जी अच्छा, हमारी पहले गुफ्तगू हो रही थी तो आपने एक बात कही थी कि जो टेडी नस्ल की बकरी होती है वो सख्त जान होती है, उसके लिए आपको जागने की ज़रूरत नहीं है कि वो प्रेगनेंट है जब बच्चा देने वाली होती है आसानी से दे देती है, उसको खुद ही चाट के खड़ा कर देती है। दफ़ा देने में तो कुछ बकरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन ये कि टेडी बकरियाँ दे देती हैं बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं आसानी से जाते हैं, बड़े बकरों में जो है ना बच्चा बड़े साइज़ का होता है वो होता है तो थोड़ा सा कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, लेकिन दे देती है। अब ये माशाल्लाह ये टापरी बकरी बहुत प्यारी बकरी है, ये टापरी माशाल्लाह ये तैयार है, ये बड़ी आसानी से देगी बच्चे इंशाल्लाह। तो नजम भाई आप क्या कहना चाहेंगे कि ये इस टाइप की बकरी जो है ये कितने तक की होनी चाहिए? ये देखिए इसका कोई कंपनी प्राइस फैक्ट्री प्राइस तो है नहीं, इसकी क्वालिटी पे उस पर डिपेंड करता है, इसकी जो क्वालिटी उसके साथ। अच्छी बकरी है, बकरे से भी अच्छी लगी हुई है, पिछली दफ़ा इसने 4 बच्चे दिए थे मुरम भाई बता रहे माशाल्लाह, तो अभी मुझे 2-3 तो लगे ही रहे हैं, बाकी अल्लाह बादशाह है, अल्लाह बादशाह। तो ये ऐसी बकरियां भाई जो 60-60 हज़ार 70 की भी देता है, 40 की भी मिलती है, मगर ये बकरी ऐसी है कि 50-60 हज़ार इसका आराम से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर 2-3 ये बच्चे भी दे देगी अच्छे बकरे से लगी है तो वो पूरा हो जाएगा। सही, और शौक में भी मज़ा आएगा, बच्चे अगर इसके होंगे अच्छे बच्चे होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है।
तो बस हम जो है ना क्या बोलते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, ताकि लोग जो है तो हाजिर हैं भाई, बिल्कुल हमारे दरवाजे खुले शौकीनों के लिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आए तो कुछ हमसे ले, नहीं आए बैठे बात करें, हमारे साथ चाय पिए, कुछ हम उनसे सीखेंगे, ज़रूरी नहीं है। कोई छोटा सा बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा देता है। सही बात है। तो हम तो सबसे मशवरे लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं, क्योंकि ये जो है ना कोई उस्ताद उस्ताद नहीं होता है, जब तक ज़िंदगी है तो सीखते ही रहो। इसका इल्म जो है ना वो कब्र तक चलता रहता है, माँ के पेट से कब्र तक। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सही सही। तो बस हम जो है ना क्या बोलते हैं, ये पूछना चाह रहे थे कि कंपैरेटिवली टैडी का शौक जो है वो ज़्यादा सब जान है और काफ़ी बहुत हो रहा है वो शौक, और गोश्त भी बहुत है ना, गोश्त अच्छा है उसका। वही तो, ये अच्छी टैडी बकरी दूध भी अच्छा दे देती है। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि आपने उसको गोश्त निकाल के और उसका कोई रान है या कोई चीज़ अगर आपने जो है ना क्या बोलते हैं तराजू पर रख दी, तो तराजू के अंदर जिसका वजन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा, ऐसी बात नहीं होती। उसकी टैडी की हड्डी छोटी होती है और गोश्त उसमें ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो बीमारियों को जो है ना वो। सही। चले तो हम सैफ भाई से पूछे। अस्सलाम वालेकुम सैफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। सैफ भाई आपको कैसा महसूस हुआ यहाँ आके? बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा खुर्रम भाई से मुलाकात हुई। गुलाबी बकरे देखे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार बकरे हैं माशाल्लाह। आपको वैसे गुलाबी पसंद आता नहीं, आपने बहुत टाइम रखा हुआ है, लेकिन इसकी थोड़ी बताएं कि ये क्यों पसंद आया आपको? क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे शायद बहुत कम पता है इसके बारे में। कंडियारो जो एक नंबर है, वो लंबे कान जो है ना, वो 24 इंच और 26 इंच ये नहीं है। कंडियारो असल में नॉर्मली 18 से 20 इंच कान में आता है, उसकी खूबसूरती होती है, खुले सिंग होते हैं, मुँह का छोटा होता है, खत में हाथ हड्डी में बहुत बड़ा मोटा होता है, तो ये कंडियारो होता है। बाकी जो लोग आजकल वो 20 लाख 18 लाख वो तो समझ ही नहीं आते, क्योंकि सिर्फ उन बकरों में कान होते हैं, बाकी चीज़ नहीं होती उसमें। तो बस ये अच्छा बकरा खुर्रम भाई ने रखा हुआ है माशाल्लाह, काफ़ी मेहनत से रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा। अच्छा, नजम भाई से भी हमने पूछा और आप उनके छोटे भाई हैं, तो आपसे भी पूछना पड़ेगा कि टैडी जो ब्रीड होती है उसके बारे में आप कुछ बताएं कि वो इन दीगर बकरों से क्यों मुनफरिद होती है, क्यों आसान से पल जाती है? कराची का बंदा एक अपने घर में अपनी छत पर आसानी से इनको क्यों पाल सकता है, थोड़ा सा ये बताएं। वो इसलिए कि एक तो ये आपस में सबसे मेन चीज़ स्टेटों में तो ये होती है जो आजकल चल रही है कि उनकी सिंगे नहीं होती, दूसरा ये साइज़ के छोटे होते हैं, उछल कूद करते हैं, खुद खेलते हैं, बैठ जाते हैं, बदतमीज़ बकरा नहीं होता, मालिक को नहीं मारता जब तक आप सिखाए नहीं, मगर गुलाबी मारता है, तो आराम से इसलिए भी पल जाती है। दूसरा जिस्म और जान भी बहुत सख्त होते हैं, क्योंकि भरपूर ब्रीड है ये जो कपले गुलाबी है, भरपूर ब्रीड नहीं है, क्योंकि इसकी असल ब्रीड तो कामूरी वगैरह है, तो ये जो टेडे है इसकी प्योर ब्रीड टेडा ही है, तो इसलिए इसका ब्लड बहुत हैवी होता है, जो कि कराची की हवा को बड़ा इसने मैच किया, सूट किया। तकरीबन लोग अब टेडा ही पाल रहे हैं गुलाबी से हटके। हमने तो सुना है जहाँ से गुलाबी शुरू हुआ था वहाँ पे भी अब टेडो का शौक हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत शानदार टेडे उन्होंने लेके रखे हैं, और तो आप देखिएगा 10 साल बाद इस सिंध वाले भी यही बोल रहे होंगे कि ये सिंध की नस्ल है। सही बात है। तो वैसे भी जुनूबी पंजाब जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं मोहम्मदपुर, ये पहले सिंध का हिस्सा था ना, मुल्तान तक पहले सिंध था, तो इसलिए वो उनकी बात गलत हो भी नहीं सकती है, लेकिन ये कि उन्होंने वहाँ से जुनूबी पंजाब से इनको माइग्रेट करके अपने पास ले गया। तो अच्छा, आपने एक बहुत बात कही थी जो हमें अच्छी लगी थी, हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को भी पता चले, वो बात ये थी कि आपको जागना नहीं पड़ता जब ये बकरी प्रेगनेंट होती है। गुलाबी में हमारी नींद जो है ना वो चले जाती है कि यार इसके बच्चे होंगे, आज होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, तो हम जो है ना उसके अंदर बड़े परेशान हो जाते हैं इंजेक्शन। और हैदर भाई मिसाल तो औरत में भी है, खूबसूरत औरत जो है ना थोड़ी सी तकलीफ से बच्चा देती है, और जो जंगली औरत होती है वो बड़ी आराम से देती है, तो सेम यही चीज़ इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनके अंदर भी बड़ा हुसन है, अगर आप देखें टेडी आपकी जो बकरियां हैं उसमें भी बड़ा हुसन है, खूबसूरत तो वो भी है। उनका पेट छोटा होता है, बच्चे को रोल लगाने में आसानी होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो गुलाबी का और इसका कोई साइज में ज़्यादा फर्क होता नहीं है। सही। तो वो जब रोल लगाता है तो पेट छोटा होता है, जिसकी मदद से उसको आसानी से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। अच्छा, आपकी जो हमने लास्ट वीडियो शूट की थी तो उसमें कमेंट आया था, हमें पूछा गया था कि डबल हड्डी के टेडे हमें चाहिए, अगर सैफ भाई के पास मैसर हैं तो आप हमें बताएँ। यार हमारे पास मैसर तो हैं, मगर अब उनकी पसंद के ऊपर बात है लोगों की, जो उनको पसंद क्या है। हमारे पास तो सब डबल, जैसे वो बिल्कुल व्हाइट कलर का था ना डबल हड्डी का टेडा,
तो वो जो है ना इतने क्या बोलते हैं लोग मांग रहे हैं, तो क्या आप मकसद देना पसंद करेंगे अगर कोई शौकीन आए तो? बिल्कुल नहीं। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, और आप अगर बता दें तो यहाँ पे नंबर अपना। मेरा नंबर है भाई 03463293398। सही है। और अगर आपका कांटेक्ट ना हो सके, क्योंकि ये कराची हैदराबाद कॉलोनी, हाँ कराची हैदराबाद कॉलोनी जो कि जेल से नज़दीक है, उसकी कोई वजह से जैमिंग की वजह से मसले आ जाते हैं, तो आप जो है वो व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, तो नजम सैफ भाई आप जो है ना आपको रिप्लाई कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी इनायत आपकी। तो जो है ना इंशाल्लाह ताला भी थोड़ा खुरम भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेहमान आए, कैसा लगा आपको सर? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, नजम भाई सैफ भाई तो बचपन के दोस्त हैं मेरे। हाँ, तुमने अपने इनको मिला छुपा के रखा था तुमने इनको मेरे से। तो बात सारी है कि आप जो अब आपको अब क्या मकसद है कि महसूस हो रहा है कि अब टैटू का शौक बढ़ाना है? नहीं बढ़ाना, टैटू को बढ़ाना है भाई। हाँ, और कराची के जितने भी शौकीन हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर मेरी तो ये सोच है कि टैटू पे आना चाहिए भाई, टैटू की ग्रोथ भी अच्छी है, स्ट्रक्चर भी मजबूत है इनका, और माशाल्लाह हर भी खा भी जाते हैं, खूबसूरती में जबरदस्त है। गुलाबी नाजुक जानवर है, मैंने शुरू से गुलाबी का शौक किया है। 25 साल हो गए। गुलाबी जो है ना नाजुक जानवर है, बहुत मुश्किल सर्व करना है, स्ट्रक्चर में टेढ़े पे आदमी चला जाए वही बेस्ट है। और वो जो एक आपके साथ लोगों ने बड़ा जो है ना इतने इजहार यकजहती की है, अफसोस का इजहार किया, वो जो आपकी बकरी का इंतकाल हो गया, मर्जी थी क्या, और चार बच्चे थे, चार के चार चले क्या कर सकते, माँ मर गए तो बच्चे मर जाते हैं, माँ के बगैर बच्चे भी रह सकते हैं। सही बात, जो अल्लाह की मर्जी हो। बड़ी खुरम भाई ने मेहनत की, व्यूअर्स कोशिश की, लेकिन नहीं बच सके, जो अल्लाह की मर्जी, जानवर है सांस का जानवर। सबके आपके साथ दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और जो है ना क्या बोलते रिस्क दे, जिससे आप और बकरे खरीदें। सही है, शुक्रिया खुरम भाई, शुक्रिया। तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं, तो माशाल्लाह से खूबसूरती देखें आप, खूबसूरती आप देखें, जस्ट खूबसूरती का आप नज़ारा कीजिए कि ये क्या खूबसूरती है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, बहुत खूबसूरत जानवर है, बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह से एक और खूबसूरती आपको दिखाते हैं, ये बकरी आप देखें क्या इसका हुस्न है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ये देखें आप, माशाल्लाह क्या बात है इसकी, सुभान अल्लाह कहिएगा। ये मीरपुर खास से जो है वो आई है ये बकरी, खुरम भाई ने मंगवाई है, और ये गोल्डन टापरी कहते हैं, फीकी टापरी वो है माशाल्लाह से। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जो हैं वो मकसद है कि खुश रहें, खुशहाल रहें, बीमारियों से दूर रहें, और अल्लाह पाक आपको दुनिया के हर गम से दूर रखे और तमाम लोगों के लिए आसानी करे। अल्लाह आपका हाफिज़ और नासिर हो। खुदा हाफिज़।